नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल में जैसे ही टेस्ला के साथ उनका कोलैबोरेशन का न्यूज़ आया, उसके बाद देखते ही देखते हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, अब इसके कारण हम आज यहाँ गिरावट भी देखने को मिला। हम आज बात करेंगे कि आखिर ऊर्जा ग्लोबल में हुआ क्या और आगे इसकी क्या संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल ईवी सेक्टर से बिलोंग करती है। ऊर्जा ग्लोबल सोलर सिस्टम से रिलेटेड वर्क करती है। ये बैटरीज बनाती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल के लिए। लेकिन पिछले दिनों यहाँ पे खबर आया कि ऊर्जा ग्लोबल और टेस्ला का, इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है, कि मतलब दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे। अब टेस्ला के जैसे नाम आया तो लोगों को मन में लगा, यार इलॉन मस्क वाला टेस्ला, उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, मतलब ये कंपनी में आगे जाके बहुत अच्छा हमें रिटर्न देगा। लेकिन असल में वो टेस्ला के साथ नहीं हुआ है। जिस टेस्ला के साथ हुआ है उसका नाम है टेस्ला पावर। और टेस्ला पावर की अगर हम उनकी हिस्ट्री की बात करें तो टेस्ला पावर एक अच्छी जानी मानी कंपनी है। लेकिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न हुआ कि एलन दादा वाला टेस्ला के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है, दोनों ने पार्टनरशिप ज्वाइन किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम यानी मतलब एक हफ्ता पहले की बात की तो स्टॉक लगभग 8.5-9 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे टेस्ला वाला न्यूज़ आया तो ये स्टॉक एकदम से 2 दिन में 12 रुपये पहुँच गया। लेकिन आज हमें यहाँ फिर से गिरावट देखने को मिला, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया कि असल में एलन मस्क का टेस्ला नहीं है, ये है टेस्ला पावर, जो टेस्ला पावर के साथ दोनों ने पार्टनरशिप किया है। अब हम ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, जब इसका प्राइस 1 रुपये के आसपास चल रहा था, तब भी मैंने इस स्टॉक को बार बार रिकमेंड किया था कि आने वाले समय में ये मल्टीपल के रूप में रिटर्न दे सकता है। वो 1 रुपये का स्टॉक दोस्तों 25-30 रुपये तक भी चले गया था। जिसने भी उस समय निवेश किया था होगा तो यहाँ पर उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। लेकिन अगर हम टेस्ला पावर, अगर हम ऊर्जा ग्लोबल की बात करें ना, ऊर्जा ग्लोबल का जो की पॉइंट है ना, वो इसका बिजनेस मॉड्यूल है। जैसे कि ये ईवी सेक्टर का, तो ये ईवी सेक्टर में तो वर्क कर रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कंपनी में पोटेंशियल है, ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। भले आज इस कंपनी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले समय में अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसका मैं 3-4 आपको पॉइंट बता रहा हूँ। ये कंपनी छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट करने में सक्षम है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये कंपनी ना, अगर हम इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 550 करोड़ का है। तो ये कंपनी आगे आपको एक बड़ा अमाउंट में भी रिटर्न दे सकता है। बस हमें क्या करना है, इनके ना हमें एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया रहना है। और कई लोग होते हैं कि आज वो निवेश करते हैं और कल उनको 50% का रिटर्न चाहिए रहता है, तो स्टॉक मार्केट तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि 2 दिन में आपको 50% का आपको रिटर्न मिले। लेकिन ये कंपनी जैसे बिजनेस कर रही है, जैसे सोलर के क्षेत्र में बिजनेस कर रही है, बैटरीज बना रही है, इस कंपनी के साथ कई और कंपनी जुड़ना चाह रही है, क्योंकि ना ये कंपनी ऊर्जा ग्लोबल ना वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। मतलब इसमें लोग एक भरोसा कर सकते हैं। देखिए, हाँ भले ही ये पेनी स्टॉक है, हम मानते हैं पेनी स्टॉक, लेकिन बाकी पेनी स्टॉक से ये दूसरा टाइप का पेनी स्टॉक है। उसका रीज़न ये है कि ये जो पेनी स्टॉक है ना, ये पेनी स्टॉक में हम देख रहे हैं कि पहला चीज़ तो कंसिस्टेंसी है, दूसरा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तीसरा इसका बिजनेस ऑनगोइंग बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इसलिए ये स्टॉक की आज हम बातें कर रहे हैं। जैसे कि टेस्ला के साथ जैसे इस कंपनी का हमने देखा कि कोलैबोरेशन हुआ, पार्टनरशिप, दोनों साथ में आए, एक दूसरे के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला उस टेस्ला के कारण। लेकिन वो वाला क्या मामला आपको समझ आ गया है। लेकिन अगर हम इसकी फ्यूचरिस्टिक की बात करें, ऊर्जा ग्लोबल की बात करें, ऊर्जा ग्लोबल आगे जाकर कैसे परफॉर्म कर सकता है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँ कि ऊर्जा ग्लोबल में हमें एक संभावना है कि आगे जाके ये कंपनी और अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकता है।